हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप और आपके अपने सब क्रिएटर्स होंगे। तो गाइज अपने चैनल पे GTA 3 डिफिनिटिव एडिशन ऑफिशियली फिनिश करने के बाद अब बारी है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी डिफिनिटिव एडिशन की। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। इसी के साथ शुरू करते हैं। आई एम हैविंग रियली फन। वो हमारा काम करेगा और फिर उसे कुछ महीने देंगे और फिर कुछ महीनों बाद खुद उसे के विजिट करेंगे और देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। Here we come, man. Our character is here. Nice. Great. Hey. Well, I'm going to drive you guys to the meet, okay? Okay. Fantastic, man. They are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, मुझे ये प्रॉब्लम है कि ये जो पीछे साउंड चल रहा है इसके मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे बंद कर लूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। म्यूजिक, वेट अ मिनट, आई हैव टू टर्न डाउन द म्यूजिक। म्यूजिक ऑफ। Don't want any music in game. Operates the business and the other one does the fun. It still didn't turn off. What the heck? Graphic मैंने जितने ultra पे हो सकते थे, जहाँ तक maximum ये game जा सकती थी वहाँ तक maximum रख दिया। All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right. ये यहाँ पे deal करने के लिए आया तो वो कह रहे हैं कि ये chopper आ गया तो जाके exchange करो, ठीक है? सिंपल डील है कि इन्होंने कुछ चीज़ इन्हें देनी है और वहाँ से उनसे लेने हैं चीज़ें। ओह, ये पुलिस है मेरे ख्याल से। हाँ, पुलिस आ गई है। 100% pure grade A Colombian, my friend. मेरे ख्याल से कह रहा 100% कोलम्बियन है। I think we have a deal, my friend. ठीक है, डील हो गई है। ओह नहीं, चला ली उन्होंने गोली। मुझे पहले ही पता था। सारे का सारा माल, पैसे और माल सारे का सारा वहाँ ही रह गया। निकलो यहाँ से। निकल गए यहाँ। सो अब हमारी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। इनका जो बिजनेस डील है और ना सिर्फ वो खराब हुए, मतलब ये जो पैसा भी था इनके पास है वो भी ये यानी कि खो आए हैं। What are you going to do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. वो बेचारा परेशान हुआ कहता है जाओ कुछ तो जाके, तो सुबह आके तुम्हारे ऑफिस के पास आऊँगा सुबह, तो फिर ये काम, ये जो मैस हमने फैलाया है इसके बारे में कुछ सोचेंगे। Let's go. Nice. स्ट्रीट लाइट कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दी हैं। वेट अ मिनट, आई हैव टू टर्न डाउन लिटिल बिट स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट बहुत ज़्यादा हैवी कर दी है मैंने, बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। लेट मी टर्न डाउन अ बिट। नाउ एवरीथिंग इज लुकिंग बेटर नाउ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट होटल है। पीछे हट जाओ। आई रिमेंबर प्लेइंग दिस गेम अ लॉट। नाइस। पहले ये इन्होंने अपग्रेड किया हुआ था। पहले जो ओरिजिनल है वो इस तरह नहीं थी जैसे अब ये है। लेट्स सी इनसाइड, अंदर देखते हैं कि क्या है। ठीक है, ये साइन भी इन्होंने अपग्रेड किया हुआ है। ठीक है, ऊपर कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे सेव करने के लिए, तो यहाँ पहले यहाँ पे सेव करते हैं। ओके, इनकेस कोई प्रॉब्लम हो। अब ऊपर चलते हैं। बड़ी स्पीड से ऊपर गया है। ये बेचारा बैठा हुआ है इसके डील खराब होने के बाद। Hello, Sonny. Tommy, it's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey. ये 15 साल पहले इसके काम करते रहा है, अब 15 साल हो गए हैं। वो कह रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कल की बात है। ओहो, अब इसे पता चला है। कह रहा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास पैसा अभी भी है कि नहीं है। वो कह रहा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। कहता वो मेरा पैसा था। You have my personal assurance and I'm going to get you your money back and the drugs. वो कहता है तुम ये समझ लो कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि जिसके साथ मैस अप किया जाए। Neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. कह रहा है कि अगर मेरी जगह कोई और बंदा था तुम अभी तक मारे गए होते। Oh no, ये भी सही गुस्से में है। ठीक है, अब जो पैसा हमने खोया है उसे उससे कोई लेना देना नहीं, वो हमने इसे लुटाना है किसी भी हाल में। लेट्स गो। कांपने वाली गाड़ी लेते। ओ व्यू, ठीक है ये कैमरा एंगल चेंज करने के लिए बोला। ठीक है अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ चलते हैं। ये उसी के पास जाना है हमने जिसे हमने बोला था कि जिसके साथ हमने जाकर डील की थी और उसे बोला था कि तुम अभी रेस्ट करो, सुबह आएंगे और देखेंगे इस डील के बारे में जो हमने मैस फैलाया, इसे क्लीन करने की सोचेंगे क्या क्लीन करना ही पड़ेगा, वरना तो उसने वार्निंग भी दे दी कि अगर मैं ना होता तो तुम अभी तक मारे गए होते। Stop. अब हमें वो सारे का सारा पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा किसी तरीके से, उन्हें लुटाना है वापस। पैनिक हो रहा है वो। Ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. कहता तुम उसे उन्हें ढूंढो जिन्होंने हमारी कोकेन ली है, तो हम उन्हें मार देंगे। मैं उन्हें मार दूंगा। Colonel Juan Garcia Cortez. उसका नाम बता रहा है। कहता इसने बताया था, जिस बंदे का नाम बता रहा है जिसने ये डील करवाई थी। कह रहा मैं नहीं बाहर जा रहा है। जो वो पार्टी है जहाँ पे ये इनवाइट हुआ था ना, तो उसकी जगह हमें भेज रहा है। ये कह रहा है कि वहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके जाना। ठीक है कपड़े हमें चेंज करके जाने पड़ेंगे वहाँ पे। कहता है अब मुझे जो है इसे शर्ट पसंद है। कह रहा है अब मुझे चंप की तरह जो है इडियट्स की तरह अब ड्रेस करना पड़ेगा उनकी तरह, उनके साथ हैंग आउट करने के लिए। ठीक है वो तो डर के अंदर बैठा हुआ है। कह रहा है वो अंदर आके तो मेरा जो है सर घुमा के रख देंगे, मतलब मेरी मुंडी घुमा देंगे, गर्दन तोड़ देंगे मेरी। तब वहाँ पे हम जा रहे हैं जिस बंदे ने हमारी डील करवाई थी बेसिकली। ओह नो सॉरी, उसके पास जा रहे हैं। अब देखना ये है कि वो क्या कहता है बंदा, उसके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है इस चीज़ की। इट्स लुकिंग नाइस। पहला कैजुअल था, अब ज़्यादा फॉर्मल सूट में आ गए। वो बाइक भी लेके जानी पड़ेगी। कहाँ पे है बाइक? अच्छा इस तरफ बाइक किस तरफ खड़ी की गई? जरा थोड़ा दूर जा लेने देते। ओ सी यू अगेन और सी यू टुमारो और नेवर सी यू अगेन। अगर वो ये उस बंदे का पता बता देता है जिसके साथ हमारी डील हुई थी या जिसके साथ हमारी डील करवाई थी, तो फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये पता लगवाना बहुत ज़रूरी है कि किसने हमें सेटअप किया है। या तो इसी बंदे ने हमें सेटअप किया होगा जिसने डील करवाई है, ये तो स्टोरी आगे जाके ही पता चलेगा। सॉरी ऑलराइट, वी आर हियर। यहाँ पे ज़रा अपनी बाइक ज़रा इससे सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि भागने के लिए हमें 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। ये GTA है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। दे आर हैविंग अ नाइस पार्टी है। उन्होंने थोड़ी इसे बीयर्ड दी हुई है। ठीक है इस बंदे ने डील करवाई थी हमारी। कहता मैं मुझे सिर्फ अपनी मर्चेंडाइज, मतलब अपनी गुड्स चाहिए जो कि चली गई हैं, मतलब जो पैसा गया वो कहता वो ही मुझे वापस चाहिए। ठीक है। अब इसका थोड़ा फेस नजर आता है, पहली गेम में तो ये फेस नजर भी नहीं आता था सही से। ठीक है, इसे लेके जाना है हमने। ये कांग्रेसमैन है जो इनके जो क्या कहते हैं बिजनेस के साथ जिन लोगों का ताल्लुक है उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रही है ये। मुझे पता है कि इनके साथ हमने काम करना है आगे जाके स्टोरी में, इन सब के साथ। ये फिल्म डायरेक्टर हैं ये दोनों जो मूवीज वगैरह बनाते हैं। एक ये एटम भी आई है। आई रिमेम्बर किलिंग हिम, मुझे याद है कि मैंने इसे मारा था। पता नहीं इस गेम के अंदर किसी जगह पे एक ऐसा मिशन है जहां पे हम इसे मार देते हैं। ठीक है, कह रही कि मैं अपने दोस्त को अपने टाउन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो कह रही हमें पूल छोड़ दो। इस गाड़ी में लेके जाना है उसे। हमारी बाइक कहाँ गई? नाइस वीकी रिच पीपल। ठीक है, अभी तो नहीं है, अभी तो पक्का नहीं है, लेकिन उसके बाप ने कहा है कि मैं अब अपने जो सोर्सेज लगा रहा हूँ कि तुम्हारा माल कहाँ गया है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उसने अपनी बेटी से हमें इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने हमें अपने जितने भी उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जिन जिन के साथ वो काम कर रहे थे या जो लोग भी पार्टी में आए थे, उनसे इसने इंट्रोड्यूस करवाया हमें। अब वो बेसिकली यहाँ से जाना चाह रही है, बहाना बना के निकली कि मैं अपने दोस्त के साथ निकल रही हूँ, लेकिन वो उसे क्लब जाना था तो क्लब हमने इसे छोड़ दिया। That walk is so funny. ठीक है जी, $100 दैट्स इट। $100 तो ऐसे हमें मिले जैसे एक टिप होती है छोटी सी। स्ट्रीट आउटफिट डिलीवर टू सेफ हाउस। ठीक है जी, जो हमने जो भी आउटफिट खरीदेंगे वो सेफ हाउस में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ अब चलते हैं। जी फिर उसके ऑफिस में आ गए। अब देखते हैं कि पता तो नहीं मेन चला, लेकिन अब हम उस पर काम कर रहे हैं कि वो हमारा माल कहाँ पे गया है। ये बेचारा अभी भी परेशान बैठा हुआ है। कह रहा है कि इस टाउन में ज्यादा क्रिमिनल है, इससे ज्यादा प्रिजन में, मतलब कि इतने जेल में क्रिमिनल नहीं जितना इस सिटी के अंदर, इस टाउन के अंदर क्रिमिनल है। ठीक है, क्या था, मैं अंदर बैठ के ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा अच्छा दिन गुजरे, लेकिन मेरा अंदर बैठ के दिमाग फट रहा है। सही है, एक बंदे का उसने नाम बताया है जो कि बंदा इन कोक वगैरह के चक्कर में घूमता रहता है। कहता अगर किसी को पता हो सकता है कि ये 20 किलो कोक का किसके पास है तो वो एक ही बंदा है, तो उसको उसके जाके पूछो। तो ठीक है, हमारे कैरेक्टर ने कहा था ठीक है मैं जाके उसे अपना विजिट देता हूँ, यानी कि उसका चक्कर लगाता हूँ। आई एम सो सॉरी। ठीक है, आ गए हैं इस क्लब में। यहाँ पे क्लब बहुत ज्यादा है। हाँ, स्टॉप और न्यू फ्री व्हीकल है। ये बंदा तो उस पार्टी के अंदर भी था ना जिस पार्टी में हम गए थे। हाँ, जो सेम है। हाँ मुझे ये साउंड बड़े प्रॉब्लम कर रहे हैं कि कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए, तो मुझे ये शायद बंद करने पड़े। गेट लॉस्ट वाली, ओह बेचारा कब से टाइम पता नहीं लाइन मार रहा है, उस भगा दिया उसने। क्या तुम रोजीबर्ग के दोस्त हो जिससे हम आए हैं? रोजीबर्ग से अच्छा बता रहा है कि 20 कीज, यानी कि वो उससे बता रहे हैं, कोकीन्स को शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा और 20 की जो है मैं मिसिंग है मेरे, तो कहाँ पे हो सकते हैं? ठीक है, किसी चीज़ का पता बताया उसने, क्या वहाँ चेक करो, जाके चेक करो। कह रहा ठीक है मैं जाके चेक करता हूँ, पर मैं तुम्हें फिर देखने आता रहूँगा। चलें जी उधर चलते हैं। एक शेफ है, उसे जाके हमने ढूंढना है। ये रहा वो। व्हाट? इनका मुंह किसी और तरफ हुआ हुआ है। कह रहा तुम क्या देख रहे हो, हम तो देख नहीं रहे, उसका मुंह इस तरफ है। कह रहा है कि तुम बात करो, यानी कि बात करना स्टार्ट करो। ओ नहीं नहीं, he's gonna kick her ass. Shit, shit, nice. This is so funny man. और मारो और। ओके जी, सेल फोन तो उससे ले लिया हमने, किसी को कॉल कर रहा था वो यहाँ पे। कहता बड़ा अच्छा रास्ता है इससे बात निकलवाने का, इसे तुमने मार के नीचे गिरा दिया, अब ये सही बात करेगा। मतलब उससे मजाक कर रहा है कि मैं एक दूसरे का पीछे देखना चाहिए। कहता तुम फिर देखो कि मेरे घर तो वो शेफ आपने जहाँ से सब्जी काटते हैं वो लेके आ गए हैं। इन्हें तो मैं मार के जाऊंगा पहले। नाइस, वो भी उससे बदला ही लेने आया था, शेफ से कुछ पूछने आया था पहले, और पहले इसे पकड़ लेते हैं, हमारी पुलिस से जान छूट जाएगी। ओके गुड हो गया। कहाँ गया ये? इस तरफ चला गया। तो कह रहा है कि मेरी एनिमी तुम्हारी एनिमी सेम है, तो हम दोनों मिल के काम करते हैं, हम एक दूसरे को देखेंगे कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। गाड़ी हमने चलानी होती है। Let's go. One thing you got to realize about this town, you got to pack some heat. The local gun shops a couple of blocks away. करके अगर इस टाउन में सरवाइव करना है तो तुम्हें कुछ हीट जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे ये क्यों पीछे चल रहे हैं, मुझे ऑफ करना पड़ेगा ये जो चल रहा है रेडियो। नाइस, रेडियो मुझे पीछे ऑफ करना पड़ेगा 100%। वेट अ मिनट। ठीक है, ये गन शॉप पे हमें ले आया। वो कह रहा है कि अगर सिटी में रहना है तो तुम्हारे पास गन्स या कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि तो जिससे तुम खुद की हिफाजत कर सको। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ये हमें उसने ये गन शॉप दिखाई है, और हमारे पास है ही इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। मिनी 14 पड़ी हुई है जो पबजी में मैं यूज़ करता हूँ। ओके जी, 8 डिफरेंट टाइप के वेपन है। आर्मर तो डेफिनेटली यूजेबल है, आर्मर तो मैं डेफिनेटली लूँगा इससे। क्या मैं आर्मर ले सकता हूँ अभी? क्या अभी? आई नीड आर्मर। यू लेफ्ट। ठीक है, इससे पहले छोड़ना पड़ेगा, इस नहीं ले सकते हम, इससे पहले छोड़ते हैं जहाँ ये जाना चाहता है। लेट्स गो। We are here. ये तो उसी जगह पे नहीं। अच्छा, इसने हमें वहाँ पे छोड़ा है। कह रहा है कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या ढूंढ पाता हूँ, पर मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। ठीक है, $300 हो गए हमारे पास। नाइस, यहाँ पे हमारे पास गाड़ी नहीं है। ओके, वी आर गोइंग ट्रेडिशनल वे। बाय बाय, सी यू फ्लिशा। पता नहीं क्यों मुझे टैक्सी जो यहाँ पे खड़ी होती है ना, टैक्सी व्हीकल जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो हैंडलिंग है ना वो ज़्यादा बेहतर है दूसरी व्हीकल के मुकाबले में। वी आर बैक एट लुक्समबर्ग, लेट्स गो। ठीक है, कॉल भी आना शुरू हो गई, पहले कॉल सुन लेते हैं। Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. ठीक है, लियो किसी कहीं जगह चला गया, उसने मुझे इंचार्ज बना दिया। मेरे ख्याल से जिसका फ़ोन लेके आया ना उसकी कॉल आई हुई थी, उसने हमें कुछ कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी। यहाँ पे सोया हुआ है आराम से। वो बेचारा डरा बैठा कि जिनका पैसा इन्होंने खो दिया वो ना आके मार दें। जिनका पैसा लिया वो यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, तो पैसा कहाँ है? मुझे लगा कि तुम ध्यान रख रहे हो उनका। Do them a favor. You mean I got to do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You got to take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No, 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 no. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. ठीक है, मेरे ख्याल से उन्हें मारना पड़ेगा। 5 साल हो गए उनके ऊपर फ्रॉड के जो है केसेस हैं और वो ख़त्म नहीं हो रहे। वो कह रहा है ज्यूरी का तुम चाहते हो कि मैं जाके माइंड चेंज कर दूं? कह रहा है कि वो माइंड, मैंने उनसे बात की है, वो अपने दिमाग चेंज नहीं कर रहे हैं। इडियट बोरा इन साहब को। ठीक है, हमने जाके तो उनको ज़रा थ्रेटन करना है, धमकी देनी है ताकि वो अपना माइंड जो है वो चेंज करें। नो प्रॉब्लम। एक तो यहाँ पे है, ओके। हाँ, एक यहाँ पे है, इसको मारना जाके। नाइस, मारना नहीं है। ओह नाइस, इसकी गाड़ी रुक गई है। यू कैन स्मैश कार अप बाय यूजिंग द, ठीक है, ये हमने पकड़ने हैं पहले। नाइस, ये हो गया। इसकी गाड़ी तो That's what you get. Change your mind. कह रहा मैंने तो अभी पैसे भी नहीं दिए, कोई मेरी मदद करे। ठीक है, ये तो डर के भाग गया। अब ये तो अपना माइंड 100% चेंज कर लेगा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। यार मेरी गाड़ी कहाँ गायब होती है हमेशा, जो मैं गाड़ी यहाँ पे लेके आया हूँ। दूसरा जूरी का जज रह गया, इसके तो मैंने टायर भी उड़ा दिए थे। शिट, आई नीड योर व्हीकल मैम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वो बेचारा इन्हें समझा समझा के थक गया कि जो मेरे फ्रॉड के केस इन्हें, मतलब जो फ्रॉड है जिसने किया है वो बेचारा तो नहीं होगा, लेकिन वो इन्हें समझाता रहा है कि अपना माइंड चेंज कर लो। इन्होंने माइंड नहीं चेंज किया तो अब इन्हें धमका रहे हैं हम ताकि ये अपना माइंड चेंज कर लें। उस बेचारे ने तो गाड़ी के पैसे भी पूरे नहीं दिए थे, लेकिन हमने उसकी गाड़ी तोड़ दी है। ओके, वो ऑलमोस्ट है। ये रही, इसकी गाड़ी भी हमने तोड़नी है। शुरू हो जा भाई, तोड़ तो रहा हूं। ओके जी, इधर से भी तोड़ दी। कहता मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा कि ये हो भी रहा है मेरे साथ। ये भी डर के भाग गया। 400 रुपया, अभी तो $1000 भी नहीं हुआ यार। इससे ज़्यादा पैसे तो हमें GTA 3 में मिलते थे। लेट्स गो बैक टू ल्यूसन। ओके, रास्ते में हमारी गाड़ी उलट गई थी और उसे आग लगी थी। इंटरेस्टिंग इनफ कि पहली जो गेम थी उसमें आपको नहीं लगती थी ना आग, लेकिन अब यार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। पैसे क्या खोए हैं। आई विल गेट देयर। ठीक है, उसने कहा पे फोन के पास पहुंचो, पर पे फोन के पास तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले यहाँ पे आना हमारा बहुत जरूरी था। Tommy, any progress? No, tell me later, tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party? Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves. यार हमारे दिमाग में और भी चीजें चल रही हैं। ठीक है, वो कोई डील लेके आया क्योंकि इन्हें पैसों की जरूरत था, तो ये कोई काम करके कहीं और से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। कहता है आराम से बैठो तुम दोनों। Okay, what can I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we got to go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. The balls drop like they should. Stop by my office sometime. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है जो इसे चाहिए लेकिन वो इसे दे नहीं रहा है। वहाँ पे जाके हमने जरा पहले तो जगह पे जाना है, अपने कपड़े वगैरह चेंज करने हैं हमने। और कुछ नहीं, बस इस गेम में जो रेन इफेक्ट डाला ना वो बहुत रियल डाल दिया इन्होंने। मैं सोच रहा था कि गन्स भी ले लूं क्योंकि उसने गन शॉप बताई है, तो मैं कुछ गन्स और प्रोटेक्शन वगैरह ले लूं क्योंकि कहीं पे कुछ भी हो सकता है। यही एक सिर्फ जगह है जहाँ पे हम कपड़े लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने पहन लिया। मेरे पास है क्या, सिर्फ एक पिस्टल है। ठीक है, मैप में मैप ओपन कर सकता हूँ, मैप ऐसे ही ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोथिंग है, गन्स। ठीक है, गन्स में मार्कर लगा सकता हूँ मैं क्या, प्लेस अ वे पॉइंट। ठीक है, वे पॉइंट तो हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ। वे पॉइंट तो प्लेस किया लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, अगर आपका कोई मिशन है तो अगर आप वे पॉइंट प्लेस भी करेंगे तो वो नज़र नहीं आएगा, वो आपको कोई हेल्पफुल नहीं होगा। ऑलराइट, गॉट इट गॉट इट। यहाँ से आर्मर परचेज करते हैं, इन केस कुछ चीज़ें ख़राब हों, हमें गोलियाँ वगैरह लगें तो हम थोड़ा सर्वाइव करने के काबिल हो हमारा करैक्टर। कुछ वेपन वगैरह परचेज करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं या नहीं हैं। नो आई डोंट वांट दिस, सबसे जो बेहतर है। हाँ, आउट ऑफ रेंज। ओह, ये चाहिए, ये चाहिए डेफिनेटली। ओके जी, एग्जिट टू टी। ठीक है, आर्मर हमने ले लिया, अब चलते हैं अपनी जॉब पे। लेट्स गो। बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है, ऐसे डेंजरस काम कर रहे हैं तो बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बेसिकली हमने करना क्या है कि वहाँ जाना है। अब बेसिकली हमने करना क्या है कि वहाँ जाके वर्कर के दरमियान लड़ाई करवानी है और उनका थोड़ा नुकसान वगैरह हमने करना है ताकि सारा काम सही हो जाए। हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच गए हैं। बिजनेसमैन हमेशा यही करते हैं। पिछले ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3 में भी ऐसा ही सेम ऐसा हुआ था। ठीक है जी, डन। ओके जी, स्टार्ट फाइटिंग विद एटलीस्ट 4 वर्कर, नो प्रॉब्लम। जंप 2 3 4, लड़ाई शुरू हो गई। शुरू हो गए आपस में। ठीक है, इससे पहले पुलिस आपस में लड़े, हम यह पकड़ते हैं। नाइस हो गया, नाइस। निकल ले, मार देंगे, बच्चे की जान ले लेंगे ये। पुलिस आ जाएगी, निकल ले। फैंटास्टिक। अभी भी एक गाड़ी है क्या? ओ, वो भी है, वो तो मैंने तबाही नहीं की। वाट यार, इससे ज्यादा तो वर्कर को टेंशन है कंपनी से ज्यादा। नाइस हो गया, निकल ले, बस इतना सा काम था। फैंटास्टिक। तो दूसरे के पास जाने हैं, वो बेचारा तो निकल गया, हमें किसी और के गले डाल दिया है। हमें गन जो है वो लेनी पड़ेगी क्योंकि गन जो है हमारे पास इतनी ज्यादा गोलियां नहीं है। ठीक है, इसका फोन सुन लेते हैं पहले। Yeah. This is Cortez. जिसको मार के आए शेफ को, कहेगा तुम मेरी पार्टी पे थे। Look at the phone, कितना बड़ा फोन है इसके पास। ठीक है, वो कह रहा है प्राइवेटली मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बोर्ड पे मिलूंगा। He has limo. और अच्छा, गाड़ी आते हुए मैंने अंदर कोई बैठा नहीं देखा विदाउट ड्राइवर के अलावा। तुम कुछ पीना चाहते हो? कहता नहीं, इसलिए तो तुम साफ थिंकिंग कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है। Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt, and you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you. बंदे को जाके अच्छा खासा जो है पीटने हमने, लेकिन वहाँ पे गन अलाउड नहीं है। This guy's my new friend. I never had a friend with a weight before. कहता ये बंदा जो है मेरा नया दोस्त है, मैंने बड़ा टाइम हो गया मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। ठीक है, अब देखते हैं ये मिशन कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत इतना आसान नहीं होने वाला मेरे ख्याल से ये मिशन। व्हाट द हेक, नॉर्मल पीपल पुलिस भी ऐसे गाड़ी चला रही है। मेरे ख्याल से हमारे गन्स वगैरह सारी बाहर ही रह जाएंगी। गाड़ी का दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया इन केस के कुछ प्रॉब्लम हो। गोल्फ क्लब में जाना है। ठीक है, इसने जो पहना हुआ है वो ग्लोव गोल्फ का जो है सूट पहना हुआ है। ओह सॉरी, तो उसे जाके मारना है, गोल्फ में जाके उसे पीटना है हमने। यहाँ पे वेपन नहीं हम लेके जा सकते। बी केयरफुल, बी केयरफुल। Let's go. ये रहा, ये इसकी धुलाई होने वाली है। अब जैसे हम अंदर जाएंगे वो देखें वेपन हमारे बाहर आ गए हैं। रिलैक्स करो। ओह थोड़ा है हमारे पास, नाइस हो गया, ये काफी है। नो 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 नो, वादा ऊपर गोल्फ खेल रहा है। अब कोशिश मैंने ये करनी है कि जो नीचे है ना, पहले इसे बाहर निकाल के फेंकूं, इसे पीट लूं। मैं कह रहा हूँ चल बाय। ठीक है, इसे तो मारूं मैं। नाइस, पहले इसे मारना पड़ेगा इन्हें। मैं कह रहा हूँ पहले मार लूं फिर उसे पकड़ूंगा। ना मर भी जाओ, नाइस। ठहर जा, तेरी तो ठहर जा। ठीक है, वो रह गया बंदा, उसे पकड़ते हैं। कहाँ गया वो? ओह मो मैन, व्हाट द हेक विद दिस रेडियो शिट। ठहर जा, फादर अपने अब्बा की जान को बुला रहा है। ठहर जा, तू ऐसे काम ही क्यों करता है कि अब्बा जान को बुलाना पड़े। नाइस 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 नाइस, सब पकड़ के बाहर फेंक। नाइस, ठहर जा, तू पीटना पड़ेगा। नाइस, पीट ले। इसने भागना है इसने। कितना मारूं मैं इससे? नाइस, मिशन पास। ओ तेरी तो, ओहो, ये तो बूढ़े भाई भी, दद्दा जान भी गुस्से में आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, लेट्स गो आउट। अपने वेपन, वो बाहर ही हमारा वेपन है, उसे कलेक्ट करते हैं। बेचारे में 12 गोलियां हैं। गाड़ी में बैठते हैं अपनी। कंट्री क्लब, व्हाट? अच्छा, ये सूट पहनने के लिए, कंट्री क्लब का सूट पहनने के लिए जब यहाँ आए तो गुड हो गया। मार्कर लगा रहा हूँ लेकिन मार्कर काम क्यों नहीं कर रहा। ओके, अब किया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन अब किया। थोड़ा बग होगा मेरे ख्याल से। Oh no, I'm so sorry। पुलिस वाले उसी टाइम गुस्सा कर जाते हैं। तो ठीक है, इस बंदे को इसने दोस्त कह दिया तो पहले इसका ही मिशन करते हैं। वैसे भी हमारी जो है स्ट्रैटेजी रही है कि जो करीब होगा उसका मिशन हम पहले करेंगे, तो ये हमें पहले करीब पड़ता है। इसने क्या, यानी कि इतनी अच्छी लिमोजिन इतनी खटारा जगह पे रखी हुई है। जब मुझे कोई मसला हो रहा है, जबकि मुझे लगा कि तुम मेरी मदद करोगे। Now this here, this is a development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm going to head out of town for a while, and if that office development would have faced sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? अच्छा, तुम्हारी तरह और बंदे कहाँ से लूँ? ठीक है, ये बिजनेस इसकी डील हुई हुई है, यानी कि कोई एक जगह है जो कि ये नहीं चाहता कि ये वाली जो है ना इसकी जगह के दरमियान में आ रही, जो ये नहीं चाहता कि बने, तो वो हमने ये जगह तबाह करनी है। ओहो, आई रिमेंबर दिस मिशन मैन। ये मिशन बहुत ही ज़्यादा सर खाने वाला मिशन है। यह हेलीकॉप्टर लेके जाना और इस बिल्डिंग को तबाह करना है जो कि इसकी बिल्डिंग के दरमियान में, यानी कि इसके एरिया के दरमियान में आ रही है। इसे गिराने से इसके एरिया की जो वैल्यू बढ़ती है, और अगर ये बिल्डिंग बन जाए, पूरी कंप्लीट हो जाए, तो इसके एरिया की वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, ये बहुत टफ मिशन है। अगर मैं ये कंप्लीट करके ना, मुझे पता है कि जब मैं छोटे होते हुए ये मिशन कंप्लीट किया था, मुझे बहुत ज़्यादा ट्राई करनी पड़ी थी। देखते हैं कि अब ये थ्योरी सच है कि नहीं सच है। जब बंदे बड़े हो जाते हैं तो वो उनके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, इन ड्रम्स के अंदर हमने ये बॉम्ब उठाने हैं, 1 by 1 करके, सारे इकट्ठे नहीं उठा सकते, और फेंकने हैं। और ये 4 फ्लोर है और 4 बॉम्ब हमने फेंकने हैं। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मैं जो बॉम्ब है वो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे पहले फेंकूं, क्योंकि ऐसे एक मेरे लिए टाइम कम हो जाएगा। 7.5 मिनट, 7 मिनट एंड 30 सेकेंड हमें वो दे रहे हैं। ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे को आएंगे। ठीक है, ठीक है, पहले मैं इसका समझ लूँ। अच्छा, ये ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए? ठीक है, ओके जी, कंट्रोल चेन है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए। ठीक है, डन। ठीक है, ऊपर जाने के लिए, ये था यार। क्या कर रहा है। ठीक है, कंट्रोलर पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले जो क्लासिक गेम थी ना GTA Vice City, उसमें कंट्रोलर बड़े टफ थे। ठीक है, बी केयरफुल। ये तबाह कर देंगे। नाइस। डू नॉट क्रैश प्लीज, डू नॉट क्रैश। ओहो, शिट। नाइस, एक तो गिर गया। हा। नीचे जाना बहुत टफ हो रहा है। ये यहाँ से नीचे चलते हैं। फैंटास्टिक। थोड़ा ऊपर रहे। थोड़े छे नहीं है, थोड़ों से ये काम खराब कर देंगे। नहीं, इस तरफ नहीं, इस तरफ। वो जाना कहाँ है? नीचे। फैंटास्टिक। बी केयरफुल। मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा दिमागी सल्तनत अभी सही नहीं चल रहा मेरा। ये अब मेरे पीछे तक, इधर तक भी आएंगे। बस सही जा रहा है। इधर से इसे उठाना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फैंटास्टिक। ऊपर। नाइस। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है, ये तो मुझे पता चल गया कि दूसरा यहाँ पे है, तीसरा उस फ्लोर पे है। ये मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट है कि सबसे पहले जो टफ वाले हैं ऊपर वाले, उन्हें फिनिश किया जाए, और उसके बाद जो है नीचे वालों को फिनिश किया जाए। इसकी हैंडलिंग बहुत बुरी हैंडलिंग है। ओह, तेरी तो यार, इसको मार दे। फैंटास्टिक, ये तो मर गया। यहाँ पे दूसरा होना चाहिए। कहाँ गया दूसरे वाला? दूसरा यहाँ। ओह, वो रहा। मुझे ये पुलिस वाले को मार देना चाहिए ना, इसी तरह। Oh shit! I don't want you to drill me, man. Yeah. बहुत टफ है, मेरे यकीन माने काम पे टांग रही है इस वक्त। सु, 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 सु। ओहो ये दो गए, फैंटास्टिक। 4 मिनट रह गए हैं और 2 बॉम्ब रह गए हैं, मतलब कि हम सही जा रहे हैं ऑलमोस्ट। बस ये तबाह नहीं होना चाहिए। इनके वर्कर ख़त्म ही नहीं हो रहे। 3 वर्कर मर गए हैं, 1 पुलिस वाला इनका मर गया है। जल्दी जल्दी, इससे पहले कि मेरे पीछे आए। मैं बिल्कुल परफेक्ट जा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा हूँ। ओहो दैट वाज सो स्मूथ मैन। ठीक है, दूसरा इस कॉर्नर में है, ठीक हो गया। मुझे इस कॉर्नर में आना है। इसको मूव करने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये रहा। इस कॉर्नर के अंदर हमने देखा था ना, याद जरूर रखना कि इस कॉर्नर के अंदर ये रहा, ये रहा। ऊपर था, ऊपर था। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। डन 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 डन। एक रह गया बस, एक रह गया बस। वो सबसे नीचे ड्रॉप होना है। परफेक्ट परफेक्ट। आजा आजा, तू नीचे आजा, जंप कर ले। उसने ऊपर से सच में जंप कर दिया। मेरा भाई तो सीरियस ले गया। ठीक है, ये काम हो गया। वन लास्ट, लास्ट वन नाउ। बड़े स्मूथ तरीके से पकड़ना है, बिल्कुल डायरेक्शन में जाना है हमने, बिल्कुल डायरेक्शन, क्योंकि करीब आके इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। फैंटास्टिक, फैन फ्रीकिंग टैस्टिक। ऑलमोस्ट देयर। बस ये ड्रॉप करने की देर है यार। ये तो रिकॉर्ड कर दिया मैंने। ऑलमोस्ट 4 मिनट एंड 30 सेकंड के अंदर मैंने ये फिनिश कर लिया है। ओहो, मुझे लगा मैंने ड्रॉप कर लिया था। वाई डिडंट ड्रॉप, वाई डिडंट ड्रॉप। नाइस। ओ मैन, पहले ही अटैम्प्ट में मैंने ख़त्म कर दिया। ये वो मिशन है जो मैंने तकरीबन पता नहीं क्यों 15 और 20 और मोर देन 20 दफ़ा मैंने ये ट्राई किया होगा इसे फिनिश करने के लिए। नाइस, $1000 इसके लिए मिले हमें। टन हो गया। तो ये थ्योरी बिल्कुल ठीक हो गई और प्रूफ हो गई कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके स्किल लेवल भी गेम्स को लेकर बड़ा होता है। जैसे हम छोटे थे या मैं छोटा था तो ये मिशन मुझे बहुत टफ लगते थे, जो कि अब मुझे मिशन अभी भी ये टफ था। ये नहीं कि डोंट गेट मी रॉन्ग, ये मिशन इतना भी आसान नहीं था। मतलब कि मैंने जो कर लिया शायद कितने लोग ना कर पाएँ, लेकिन ये अच्छा मिशन था। मुझे ये मिशन कंप्लीट हो गया, इस चीज़ की तो खुशी है, लेकिन इससे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि मैंने पहली दफ़ा में कंप्लीट कर लिया। वी आर गोइंग फॉर आवर नेक्स्ट मिशन। मूव अवे, मूव अवे, मूव अवे, मूव अवे। ठीक है, ये उस बंदे के पास जा रहे हैं जिसने बोर्ड पे हमें बुलाया था, कि उसने कहा था कि कुछ प्राइवेट बात करनी है तो वहाँ पे आना बीच पे। ये तो वैसे ही है जैसे ठाकुर बोले हवेली पे आ जाना। क्या कहना है अभी, या इधर ही कहना है हवेली पे आ जाना। मैं कह रहा हूँ ये इधर ही बोलना ही, तो हवेली पे आ जाना। तो ठीक है, हम इसकी हवेली, इसकी बोट है, तो हम वहाँ जाके से मिलते हैं। We are here। मुझे याद है कि ये मैं एरिया बड़ा क्रॉस करने की कोशिश करता था कि किसी तरह उधर जाके वो बोर्ड पकड़ सकूं। मिस्टर वर्सेटी, कर्नल, ये आ गए। इस बंदे ने हमारी डील करवाई थी, पता नहीं अब इसने। और लॉबस्टर, नाइस। I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. ये एक बंदे ने जिनकी वजह से हम दोनों को मसला हो रहा है वो जरा भागा हुआ है। It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. कह रहा है कि क्या उसने किया, मेरे लिए तो वो पैसा अहमियत रखता है जो कि हम खो दिया हमने। कहता हम मिल के वो पैसा इकट्ठा ढूंढेंगे। कह रहा है वो पेंट हाउस में होगा वो बंदा। वो चेन सा यार ये लोग तो बड़े क्रूअल हैं। ओह ओह, जिसका सुन के लोग भाग रहे हैं, अगर वो किसी पे यूज होगा तो उसका क्या होगा। लेट्स गो। ये बंदा तो वाकई ही काटने के काबिल है, लेकिन गेम में, रियल लाइफ में लेट द पुलिस डू द थिंग, सिर्फ गेम में। डोंट डू इट इन रियल लाइफ, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। ठीक है जी, इस बंदे के वजह से सारे मसले मसाइल हो रहे हैं, उसके मुताबिक जो उसे भी मसला दे रहा है, और उसकी वजह से हो सकता है कि हमें भी मसला हो, क्योंकि इसलिए तो ये बोला था हमारे कैरेक्टर ने कि क्या पैसे उसकी वजह से गए हैं, क्योंकि वही हमारे लिए मैटर रखते हैं। तो वो कह रहा है कि पैसे हम मिलके ढूंढेंगे। पहले तो जाके उसे अब पता लगना चाहिए कि उसने किन लोगों के साथ पंगा लिया है। कि मेरा आर्मर अभी भी 78% है, विच इज नॉट दैट बैड। यहाँ पे तो आ गए। अच्छा ऊपर जाना है हमने, मेरे पास कुछ और है। ओ गन में भी इतनी गोलियां नहीं है यार, दिस नॉट गुड। ओ ये मैंने कहा था ना, इस बंदे को मैंने मारा था। नाइस। कह रहा है तुम्हारा बड़ा मुंह मैं बंद कर दूंगा। कह रहा है इसके पास ब्लेड है। भाग रहा वो। नाइस। भाग रहा वो, उसे पकड़। ओए ये तो बाहर भाग रहा है। कह रहा कि मैंने अपनी जिंदगी जो है खराब कर ली, और अपने लुक्स भी खराब कर लिए हैं। ठीक है ठहर जा, इसको बस पकड़ना है किसी तरह। पहले तो इसको चेन सा को पड़ रहा है। कह रहा मैं डबल पैसा तुम्हें देता हूँ। नाइस। पुलिस व्हाट द हेक। ये तो सीधी हमें गोली मारेंगे। हमारे तो नाम के वारंट भी निकल आए हैं। खोल ले। ओ नो, ये मेरी गलती नहीं थी, मैं पहले बता दूं। ये पुलिस वाले ने मेरे सामने जंप किया था। लेट्स गेट द हेल आउट ऑफ हियर। अच्छा पेंट शॉप में जाना है, ठीक है, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। नो। यहाँ पेंट करवाएंगे और इनसे 100% जान छूट जाएगी हमारी। ये गए। अब ये पेंट छाप को मैंने दिमाग में रखना है, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी सीधा दौड़ के यहाँ ही जाना है। इतने पैसे तो हमें मिशन करने के नहीं मिलता, जितने $100 इन्होंने पेंट के ले लिए हमसे। मिशन पास हो गया, लेकिन ओह, अगर अभी पुलिस हमें देख लेती है तो जान नहीं छूटी, वो हमारे पीछे लग सकती है। अभी उन्हें प्रॉब्लम है तो हमें छुप के रहना थोड़ी देर के लिए। अगर ठीक है, अब चले गए। डन हो गया, गुड हो गया, फैंटास्टिक हो गया। यहाँ प्यारे से व्यू के ऊपर खड़े होते हैं। लुक एट द सिटी मैन। ऑलराइट गाइस, आई एम गोना एंड दिस फैंटास्टिक फर्स्ट एपिसोड ऑफ GTA Vice City Definitive Edition हियर। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और पसंद आया हो तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, That will help my channel to grow. Also subscribe my channel. उसी के साथ साथ अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, माहौल को साफ रखें, and I will see you in the next one as always.